वर्ड नंबर एंड सम अदर सिंबल।
The keyboard has 104 keys. कितनी कीज होती है इसमें? 104. ठीक है. It is used for entering data into the computer. हम कीबोर्ड का यूज किस लिए करते हैं? डेटा को एंटर कराने के लिए. हमने जब आईपीओ मेथड पढ़ा था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें पढ़ा था कि जो इनपुट होता है वो किसके थ्रू होता है? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू होता है. और इनपुट डिवाइस कौन है? कीबोर्ड. तो कीबोर्ड के थ्रू क्या करते हैं हम? इनपुट डेटा करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में. कितनी कीज होती है? 104. आया समझ में? कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस होता है जिससे हम वर्ड, नंबर एंड सम अदर सिंबल्स टाइप करते हैं. कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड टाइपराइटर के जैसा दिखाई देता है. आया समझ में बच्चों? तो ये कीबोर्ड के बारे में डेफिनेशन, ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको जरूर याद करने हैं और ये याद रखने हैं. ठीक है. बटन्स ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज. कीबोर्ड्स पे जो बटन्स होते हैं उनको कीज बोलते हैं. है ना? ठीक है. तो हम कीबोर्ड से वर्ड और नंबर भी टाइप करते हैं. कीबोर्ड पर 104 कीज होती है.
Keyboard is an important part of the computer. It is used for entering data into the computer. Buttons on the keyboard are called keys.
कॉपी में बनाओ और लिखो कि जो हमारा कीबोर्ड है उसकी जितनी भी कीज हैं, बटन्स हैं, वो 5 कैटेगरी में डिवाइड कर रखी हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी आती है वो आती है अल्फाबेट। सब बच्चे इनको जानते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं ए से लेकर जेड तक। फिर बात आती है नंबर की, जो नंबर की होता है वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। फिर बात आती है फंक्शनल कीज की, जो F1 से लेकर F12 तक होते हैं। अब आती है फोर्थ ऑप्शन, जो कि एरो की होते हैं। एरो की 4 टाइप के होते हैं, जिसमें लेफ्ट, राइट, अप और डाउन। फिर हमारा जो फिफ्थ ऑप्शन आता है वो आता है स्पेशल की। ठीक है, स्पेशल की हम आगे करेंगे, पहले इतना जो है आप कॉपी में उतारो। नंबर्स, लेटर्स और सम अदर स्पीशल्स हैं, सॉरी सिंबल्स हैं, वो टाइप कर सकते हैं। कीबोर्ड का यूज हम कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को इनपुट कराने के लिए करते हैं। ठीक है, कीबोर्ड में जो बटन्स होते हैं उनको कीज बोलते हैं। Whatever you type using the keyboard can be seen on the monitor. मतलब जो भी हम कीबोर्ड को यूज करके टाइप करते हैं तो वो हम कहाँ शो और कहाँ देखते हैं, मॉनिटर स्क्रीन पर। ठीक है, इसकी अल्फाबेट की
यानी के देयर आर ट्वेंटी सिक्स अल्फाबेट्स की जल्दी से करो कॉपी में एडिशन 10 प्लस 9 प्लस 7 कर लिया सबने एडिशन हो गया तो कितना आया आंसर 20 टोटल है 26 ठीक है
और एक होती है राइट साइड में। सेकंड ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है। ऑफ द कीबोर्ड। ये थी आपकी नंबर की 0 से 9। दीज कीज हेल्प अस टू टेक टाइम नंबर, ठीक है। दीज कीज आर प्लेस्ड एट टू प्लेस, मतलब ये दो जगह पे होती है। एक तो होती है कीबोर्ड के ऊपर और ऊपर वाले हाफ में, और एक होता है आपके राइट हैंड साइड में, जिसको हम कैलकुलेटर कीपैड भी बोलते है। तो आज हमने अपने कीबोर्ड में क्या सीखा, क्या किया हमने, किया कि जो हमारा कीबोर्ड होता है उसमें जितनी भी कीज या बटन्स होते हैं उनको हमने कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है उसको अल्फाबेट कीज कहते हैं, जो सेकंड कैटेगरी है उसको नंबर की कहते हैं, थर्ड कैटेगरी को फंक्शनल कीज कहते हैं, एंड हमारे पास एरो की होता है और कुछ स्पेशल कीज होती है, ठीक है। तो हमने आपके अल्फाबेट कीज कर ली। अल्फाबेट्स की 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है, और जिसमें जितनी रो है हमारे 3 रोज हैं, और जिसमें 10, 9 और 7 जो है वो लेटर्स रोज में होते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि जो नंबर्स कीज होता है वो जो है हमारी हेल्प करता है टाइप नंबर करने के लिए। ये जो होता है कीबोर्ड पर दो जगह पे होता है, एक तो होता है टॉप में और एक होता है राइट हैंड साइड में, जिसको हम कैलकुलेटर कीपैड कहते हैं। डिफाइन किया है, आगे हमारे फंक्शनल कीज भी रहती है और स्पेशल